हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों क्लास अलेवंथ की, बात करेंगे दोस्तों क्लास अलेवंथ की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप ऑलरेडी क्लास टेंथ में पढ़ चुके होंगे, तो इस क्लास में अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारी क्लास टेंथ की वीडियो पर डे रोजाना अपलोड हो रही है चैनल पे। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर, आप मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ वीडियो को जरूर देख लीजिए, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक का नहीं क्लियर है तो। अगर क्लियर है तो चलिए आगे वाले फंक्शंस में देखते हैं अलेवंथ क्लास में किस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि यहीं से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेंथ में आपने पढ़ा था वहाँ तो बेसिक फंक्शंस थे। अगर बात करें तो वहाँ पे आपने केवल क्या पढ़ा था दोस्तों, बेसिक फंक्शन साइन कॉस टेन थीटा के बारे में आपने जाना था कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है इसमें। बट यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो प्लीज़ वीडियो को अगर आप क्लियरली लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसमें दोस्तों। तो इसमें हम देखेंगे साइन कन्वर्जन दोस्तों, हम बात करेंगे साइन कन्वर्जेशन कैसा होता है, यानी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनके साइन कैसे कन्वर्ट होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम साइन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी समझेंगे कैसे क्या कर सकते हैं, कौन से फंक्शंस का साइन किस कोऑर्डिनेट में प्लस होता है, किस कोऑर्डिनेट में माइनस कंसीडर किया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को केयरफुली लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक की, हम जो वीडियो है साइन कन्वर्जन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले टॉपिक जो आता है दोस्तों देखेंगे रेगुलरली, पहले स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे, शुरुआत से। आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो बेसिक कुछ पता ही होगा, नहीं पता तो प्लीज़ वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास टेंथ की एक दो बार वीडियो को जरूर प्लीज़ देख लीजिए। इसमें हम देखेंगे दोस्तों जो बेसिक फंक्शंस हैं, अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक के जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन थीटा है दोस्तों, अगर हम बात करें साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, ऐसे कोई भी फंक्शंस के बारे में अगर आपको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे साइन थीटा एंड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं, साइन थीटा होते हैं, कॉस थीटा होता है, एंड क्या होता है दोस्तों, मेन फंक्शंस तो 3 ही होते हैं, बाकी 3 इसके इन्वर्स होते हैं, साइन थीटा दोस्तों, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। और इसका इन्वर्स अगर बात करें तो दूसरा होता है कॉसेक थीटा, साइन का इन्वर्स होता है दोस्तों, कॉस का इन्वर्स होता है सेक थीटा, यानी अपोजिट होता है, और टेन का होता है दोस्तों कॉट थीटा। आई होप बिल्कुल, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा दोस्तों क्या है, एंगल है, तो एंगल का फॉर्मेशन से यहाँ पे एंगल से आपको एक डाउट नहीं होना चाहिए, एंगल चाहे कितना भी दिया हो, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 20, 360, कितना भी एंगल हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइन कन्वर्जन में। तो हम बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका साइन कन्वर्जन देखेंगे दोस्तों, कैसे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन कौन से कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती है। हम आपने क्लास टेंथ में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पढ़ा होगा, तो वहाँ पर क्या होता, अगर सपोज दैट कोई लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, कैसे पता चलेगा, ये साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों, सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा तो होता तो साइन है, बट ये क्या प्लस होगा या माइनस होगा इसके बारे में कैसे आप जानेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रॉपरली साइन कन्वर्जेंस के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं, सपोज डेट यहाँ पे लिखा है अगर साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा दोस्तों, ये साइन 90 प्लस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा या किस में जाएगा, तो इसका ये भी प्लस आएगा या माइनस, कैसा साइन लिया जाएगा, होगा तो कॉस थीटा, बट ध्यान दीजिए साइन प्लस लिया जाएगा या कॉस, इसी के बारे में हम प्रॉपरली हर एक क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो रूल्स आपको पता होने चाहिए। चलिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टार्टिंग करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आप सभी को कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता ही होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्रिक के, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों, या इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेकेंड कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं। आप सभी को पता होगा एक्स और वाई की वैल्यू, अगर आप जब क्लास या प्रीवियस क्लासेस में आप एक्स एंड वाई की वैल्यू डिनोट करते थे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आप कैसे कंसीडर करते थे, यानी इस साइड में जो भी कंसीडर करते थे वैल्यू हम प्लस करते थे, इधर वाई साइड या अपवर्ड में वाई साइड प्लस होता था, डाउन साइड में वाई निगेटिव होता था, अपोजिट साइड में लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता था। तो इसी तरह साइन के कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे समझा जा सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हम प्रॉपरली देखेंगे, एक एक फंक्शंस को प्रॉपरली समझेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे एक एक फंक्शंस को प्रॉपरली कैसे समझा जा सकता है, कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक को हम समझते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे समझेंगे। कौन सा हमारा साइन में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन सा किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, किस कोऑर्डिनेट में निगेटिव कंसीडर किया जाएगा। सपोज दैट आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों, हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। अब आपको हमने बताया कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, आपको पहले ही पता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये दोस्तों थर्ड कोऑर्डिनेट है, एंड ये कौन सा है दोस्तों, इसे तो हम फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी हमने जो भी कौन कौन से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे दोस्तों, आपके थे साइन थीटा था, साइन था, कॉस था, कॉसेक था, और टैन था दोस्तों, टैन था, कॉट था, एंड क्या था दोस्तों, सेक था। तो इन सभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं कौन सा किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी देखते हैं, पहले आपको साइन कन्वर्जन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज दैट 130 डिग्री एंगल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 90 प्लस करके लिखेंगे या 180 माइनस करेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलता है। आप सभी को पता है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल होता है, और यहाँ से अगर हम बात करें तो दूसरी साइड में भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ से भी स्टार्ट करें तो ये भी कितना है, 90 डिग्री का है, और यहाँ से भी अगेन स्टार्ट करें तो ये भी 90 डिग्री का है। अगर हम बात करें टोटल एंगल कितने डिग्री का है दोस्तों, 360 डिग्री का है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टोटल किसी भी सर्किल का मान लीजिए या किसी टोटल कोऑर्डिनेट का जितना भी एंगल होता है कितना, 360 डिग्री होता है। इसी एंगल के अकॉर्डिंग हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी क्लासीफाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कैसे क्लासीफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कंसीडर किया जाता है दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला जाता है ऑल इज पॉजिटिव। दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से, साइन, कॉस, कॉट, टैन, कॉटेक, सेक, सभी क्या होंगे, कॉसेक, सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉसेक भी होगा दोस्तों, कॉस भी, सेक भी, टैन भी, कॉट भी, यानी ऑल पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉजिटिव होगा। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी को याद रखना है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितने होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, साइन कॉसेक भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, साइन कॉसेक भी, कॉसेक भी, टैन कॉट भी, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए हमेशा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का मतलब है अगर आपको ऐसे लिखा जाए, सपोज दैट यहाँ पे कहीं पे दिया है साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो दोस्तों आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, जस्ट इसके अपोजिट इन्वर्स क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, बट ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये कैसे डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए 90 माइनस थीटा यहाँ पे तो 0 डिग्री था, 0 से आपने कितना ऊपर गए थे, 90 डिग्री गए थे दोस्तों, बताइए 90 माइनस थीटा यानी आप किस कोऑर्डिनेट में रह जाए लाई करेंगे, किस कोऑर्डिनेट में आपकी वैल्यू जो भी दी रहेगी किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही तो लाई करेगा दोस्तों, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करने का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए कौन सी, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर 90 माइनस थीटा किसी भी एंगल के साथ में है तो वहाँ पे क्या होगा, आल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन देखेंगे सभी पे, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। कहीं भी आपको लिखा जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, अगर कहीं भी मिले 90 माइनस थीटा, अगर कहीं भी इस टाइप का कोई फंक्शंस मिले दोस्तों, आपको कहीं इस टाइप का 90 माइनस थीटा करके फंक्शंस मिले, तो आप बिल्कुल क्या कहेंगे, ऑल फंक्शंस क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट, चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में देखेंगे कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं दोस्तों। तो सेकंड में दोस्तों क्या होता है, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन एंड कॉसेक, साइन एंड कॉसेक दोस्तों, साइन थीटा होता है और कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कॉसेक को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, बाकी सभी फंक्शंस को निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा दोस्तों, इधर दिखाई पड़ रहा होगा, साइन एंड कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे दोस्तों, निगेटिव कंसीडर किए जाएंगे, चाहे उसमें कॉस हो, टैन हो, कॉट हो या सेक हो, सभी निगेटिव होंगे, ओनली साइन एंड कॉसेक क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ओनली सेकंड कोऑर्डिनेट में दोस्तों क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सेकंड कोऑर्डिनेट में ओनली क्या होगा, साइन एंड कॉसेक वैल्यू क्या होगी दोस्तों, पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। कौन सी दोस्तों, इसमें तो ऑल पॉजिटिव थी दोस्तों, इसमें ऑल पॉजिटिव था, इसमें क्या होगा, साइन एंड कॉसेक,
साइन एंड कॉसेक क्या होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव वैल्यू ये कंसीडर की जाएगी। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, अब बाकी देखिए जो हम लिख रहे हैं इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों, तो आप सभी बताइए थर्ड कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी टैन वाला फंक्शंस, टैन फंक्शंस या फिर कॉट फंक्शन दोस्तों, टैन या फिर कॉट फंक्शंस, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कहाँ से कहाँ तक लाई करती है ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे इसमें क्या था 90 माइनस थीटा था दोस्तों, 90 माइनस थीटा था, बट इसमें क्या होगा अगर 90 प्लस थीटा करके आया, 90 प्लस थीटा कहीं भी फंक्शंस लिखा गया तो क्या होगा दोस्तों, साइन और कॉसेक ओनली पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव होंगे। और फंक्शंस का तो कन्वर्जन होगा ही, अभी देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। और इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें दोस्तों तो कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों, अब आप जानते हैं 180, ध्यान दीजिएगा यहाँ तक तो 180 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो गया, 180 प्लस थीटा दोस्तों, 180 प्लस थीटा कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब आप किस कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, टैन एंड कॉट आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर की जाएगी थर्ड कोऑर्डिनेट में, किसकी, टैन एंड कॉट की। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव थे, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव थे दोस्तों, साइन एंड कॉसेक आपको पॉजिटिव थे सेकंड कोऑर्डिनेट में, थर्ड में टैन एंड कॉट था, तो लास्ट बचा क्या है दोस्तों, कॉस एंड सेक बचा है दोस्तों, कॉस एंड सेक बचा है, ये किस में होगा दोस्तों, ये पॉजिटिव होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल क्लियर है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में किसका किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी दोस्तों, कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप सभी को, फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा दोस्तों, कॉस एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निगेटिव होगी। इसमें जाने का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 270 प्लस थीटा अगर होगा, 270 प्लस थीटा अगर वैल्यू कंसिडर की गई है तो आप किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। कहाँ से कहाँ तक देखिए ध्यान दीजिएगा, 360 माइनस थीटा हो सकता है तब भी आप फोर्थ कोऑर्डिनेट में रहेंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 0 से लेकर 360 डिग्री तक होती है, 0 से 360 डिग्री तक होती है, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, यहाँ तक 270 डिग्री, फिर यहाँ पर तक दोस्तों कितनी, 360 डिग्री। तो आई होप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो यानी आपको क्या पता चला दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट थे, यानी बात करें तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था दोस्तों, इसमें हमारे आल फंक्शंस पॉजिटिव थे, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल फंक्शंस पॉजिटिव थे, यानी सभी साइन कॉस टैन कॉटेक्स सेक सभी पॉजिटिव होंगे। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट में दोस्तों ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में दोस्तों टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक एंड कॉसेक वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सभी फंक्शंस क्या कंसिडर किए जाएंगे दोस्तों, निगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। तो एक बार क्लियरली लिख देते हैं दोस्तों कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों, यहां पे होगा आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टैन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, एंड कॉसेक भी पॉजिटिव होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कॉसेक भी एंड सेक भी पॉजिटिव होगा, सभी वैल्यू क्या होंगे दोस्तों, पॉजिटिव होंगे। इसमें ओनली साइन, ध्यान दीजिए इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन एंड कॉसेक की वैल्यू जो होगी दोस्तों, ये पॉजिटिव होगी। थर्ड में दोस्तों किसकी पॉजिटिव होगी, ध्यान दीजिए इसमें तो ये इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी दोस्तों, ओनली थर्ड की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट में भी दोस्तों टैन एंड कॉट की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी एंड सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ध्यान दीजिएगा सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कॉस जो होगा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। आई होप बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी निगेटिव होगी, एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं किसका किस में कन्वर्जन होता है, उसके बाद हम वैल्यू को एक एक स्टेप बाय स्टेप करके समझेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कन्वर्जन भी हमें। चलिए दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक को फंक्शंस की बात करें, तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो को फंक्शंस होते हैं, यानी जो साइन का कन्वर्जन होता है हमारा एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया, इसमें आल पॉजिटिव थे दोस्तों, आल पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। इसमें क्या था, ओनली साइन और कॉसेक जो था दोस्तों, कॉसेक जो था
हमारा ये पॉजिटिव कंसिडर करते थे, ये भी पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होता था दोस्तों। एंड थर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा टैन एंड कॉट पॉजिटिव था दोस्तों। इसमें हमारा सेक फंक्शंस एंड कॉस फंक्शंस पॉजिटिव थे, सेक एंड कॉस फंक्शन दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो देखते हैं को फंक्शंस यानी हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, को फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक को फंक्शंस की जो आइडेंटिटीज होती हैं कैसे यूज करते हैं दोस्तों, देखिए को फंक्शंस आइडेंटिटी दोस्तों क्या है, आइडेंटिटी की बात करें, को फंक्शंस आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं। अगर कहीं पे अगर आपको दिया हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमने बताया आपको 90 डिग्री होता है। यहाँ से अगर आपको आगे जाना है, यहाँ इसमें इस कोऑर्डिनेट में जाना है सेकंड कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट था दोस्तों, सेकंड कोऑर्डिनेट में अगर आपको जाना है तो क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा कंसीडर करेंगे, 90 प्लस थीटा कंसीडर करेंगे तभी आप दोस्तों किस कोऑर्डिनेट में जा सकते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते हैं कैसे कंसीडर करते हैं। अगर हम आपको कहीं पे क्वेश्चंस में दिखा मिलता है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एंगल के फॉर्म में रिलेटेड मिलता है, इस टाइप से कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, सपोज दैट अगर आपको साइन ऐसे लिखते हैं दोस्तों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 90 माइनस थीटा, तो ये किस में है, आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कितनी होती है, जीरो से लेकर कितनी होती है दोस्तों, 90 डिग्री तक होती है, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक होती है। तो 90 माइनस थीटा यानी इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, या फिर आपको कहीं पर मिलता है दोस्तों टैन, ध्यान दीजिएगा टैन 90 माइनस थीटा कहीं पर मिलता है, या फिर अगर आपको कहीं पे मिलता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा sec 90 माइनस थीटा, यानी इस केस में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिलते हैं तो आपको कितना एंगल के फॉर्म में यानी को फंक्शंस के एंगल को आप कैसे कंसीडर करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, होता है ध्यान दीजिएगा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ध्यान दीजिए साइन का कन्वर्जन किस में होगा दोस्तों, कॉस में कन्वर्जेंस होगा, बट एंगल क्या था, थीटा था, 90 माइनस थीटा हमने बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी वैल्यू होगी सभी पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। टैन का किस में कन्वर्जन होता है दोस्तों, टैन का अगर बात करें तो कॉट में कन्वर्जन होता है, कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक का किस में होता है दोस्तों, कॉसेक में होता है, ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा में कन्वर्जन होगा। अब ये सभी वैल्यू किस में किस में कंसिडर किए जाएंगे, प्लस होंगे या माइनस होंगे दोस्तों, आल क्या होंगे, आल जो होंगे ध्यान दीजिएगा सभी वैल्यू क्या होंगे दोस्तों, ऑल पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सभी किस में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करने का मतलब सभी फंक्शंस क्या होंगे, को फंक्शंस दोस्तों क्या होंगे, पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। अगर यहीं पे अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होकर दूसरे कोऑर्डिनेट में देखते हैं, एक बाय स्टेप चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर ये एक दूसरे कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं, सपोज दैट यही फंक्शंस हमारे क्या हैं दोस्तों, आपको 90 प्लस थीटा के फॉर्म में मिलता है, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में एंगल आप ब्रेक करते हैं किसी एंगल को, सपोज दैट कोई एंगल था दोस्तों 130 डिग्री था, अब 130 डिग्री था तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया 90 प्लस 40 डिग्री, अब आप बताइए 90 प्लस 40 डिग्री कर ब्रेक किए हैं तो आप किस कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, 90 तो यहाँ तक हो गया था दोस्तों, 90 जीरो से लेकर 90 से प्लस जा रहे हैं आप, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में एंट्री कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में एंट्री कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा फंक्शन होगा, ओनली पॉजिटिव दोस्तों, साइन एंड कॉसेक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कन्वर्जन वही होगा, साइन का कन्वर्जन किस में होगा दोस्तों, साइन का कन्वर्जन कॉस में होगा, ध्यान दीजिएगा कॉस में होगा, एंड कॉसेक का कन्वर्जन ध्यान दीजिएगा, एक जस्ट कॉस का कन्वर्जन आप करेंगे तो साइन में कन्वर्जन होगा दोस्तों, एंड यहीं पे दूसरा फंक्शन क्या था, टैन का था दोस्तों, टैन का कन्वर्जन हमारा कॉट में होगा, एंड कॉट का कन्वर्जन किस में होगा, जस्ट अपोजिट टैन में हो जाएगा, टैन का कन्वर्जन हो गया किस में, को फंक्शंस को जब हम एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग यानी हम इसको ब्रेक करेंगे तब, और किस में दोस्तों, सेक का किस में था, सेक का हमारा कॉसेक में था, ध्यान दीजिएगा सेक का कॉसेक में हो जाएगा, ये तो फंक्शंस के कन्वर्जन है, ध्यान दीजिए दोस्तों ये फंक्शंस के कन्वर्जन है, किसके हैं, फंक्शंस के कन्वर्जन है, एक एक स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस के कन्वर्जन है दोस्तों, फंक्शंस कन्वर्जन है, अभी हम साइन कन्वर्जन देख रहे हैं, ये तो फंक्शंस का कन्वर्जन होगा, बाद में कंसीडर किया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए साइन का कन्वर्जन आया हो, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होंगे कौन से निगेटिव होंगे, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस का कन्वर्जन कंसीडर किया गया है, फंक्शंस का कन्वर्जन ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए, साइन को अगर हम ब्रेक करते हैं को फंक्शंस के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा ओनली को फंक्शंस के फॉर्म में ये साइन कन्वर्जन होते हैं, को फंक्शंस में ध्यान दीजिए किस में कन्वर्ट होते हैं दोस्तों, ओनली को फंक्शंस में, अगर हम बात करें को फंक्शंस में ही ये साइन कन्वर्जन अप्लाई होता है, ये साइन कन्वर्जन का रूल किस में अप्लाई होता है दोस्तों, को फंक्शंस में, को फंक्शंस की बात करें ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है सबसे, को फंक्शंस है, को फंक्शंस आइडेंटिटीज हैं दोस्तों,
और किसी में साइन कन्वर्जन, ओनली साइन कन्वर्जन कंसिडर किया जाता है, आई फंक्शंस का कन्वर्जन नहीं होता। इसमें को फंक्शंस हैं, यानी एक के साथ दूसरा फंक्शंस आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया दोस्तों, साइन का किस में हो जाता है, कॉस में हो जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए। एंड सेक का किस में हो जाता है दोस्तों, सेक का हो जाता है कॉसेक में, ध्यान दीजिए कॉसेक में। एंड टैन का किस में कन्वर्ट कर, किसको कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों, कॉट में हो जाता है। एंड अगर बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट भी हो जाता है, कॉस का किस में हो जाएगा, कॉस का साइन में हो जाएगा दोस्तों। एंड कॉट का किस में हो जाएगा, कॉट का आप कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, टैन में हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें तो कॉसेक का किस में होगा दोस्तों, अब कॉसेक का किस में हो सकता है, कॉसेक का दोस्तों इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किस में हो जाएगा, सेक में कन्वर्जन हो जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारे को फंक्शंस के कन्वर्जन, ध्यान दीजिए ये को फंक्शंस के कन्वर्जन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी को बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट याद होना चाहिए। प्लीज़ इन सबको फंक्शंस को याद रख लीजिएगा। किस में होंगे, ओनली 90 डिग्री से रिलेटेड एंगल में होंगे, ओनली किस में कंसिडर किए जाएंगे, ओनली 90 डिग्री से माइनस वाले में या फिर 90 डिग्री से प्लस वाले फंक्शंस में कंसिडर किए जाएंगे, ये दोनों कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल वैल्यू क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये इन फंक्शंस का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन फंक्शंस का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिक में पढ़ा होगा कि आप 0 डिग्री, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आप सभी को पता थी एग्जैक्टली, आप सभी को याद भी होंगी वैल्यू, इन सब में साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, कॉस 60, कॉस 45। लेकिन अगर आपको कहीं ऐसे एंगल मिले दोस्तों, 40 की जगह क्या 43 मिल जाए, या फिर आपको 65 मिल जाए, या फिर 95 मिल जाए, या 130 मिल जाए, या 220 मिल जाए, तो इन सभी एंगल को आप कैसे ब्रेक करेंगे, इन्हीं को फंक्शंस का यूटिलाइजेशंस किया जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, को फंक्शंस का यूटिलाइजेशंस करेंगे, एक एक फंक्शंस को हम देखते हैं कैसे किस में कन्वर्जन होगा। तो आप सभी प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने अपने, यानी अगर हम बात करेंगे कहीं पर लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें किस में कन्वर्ट होगा दोस्तों, ये कन्वर्ट हो जाएगा, आपको बताना है। कहीं पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा है दोस्तों, ये किस में कन्वर्ट होगा। कहीं पे लिखा है सेक 90 माइनस थीटा, कहीं पे आ रहा है आपका ब्रेक, आप एंगल को ब्रेक कर रहे हैं तो एंगल इस फॉर्म में ब्रेक हो रहा है। कहीं पर आ रहा है दोस्तों टैन 90 माइनस थीटा आ रहा है, या फिर कहीं पर कॉट 90 माइनस थीटा आ रहा है, या फिर कहीं पर कॉसेक 90 माइनस थीटा आ रहा है दोस्तों। हमने बताया सभी फंक्शंस को आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फंक्शंस का किस में कन्वर्ट होगा ये आपको पता ही है, साइन का कॉस में होता है, कॉट का दोस्तों टैन में होता है, और कॉसेक का सेक में, सेक के साथ कन्वर्जन होता है, तो बता सकते हैं। और ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं आप सभी को पता भी हो गया होगा, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लाई करेंगे, क्योंकि 0 से 90 डिग्री कहाँ तक होता है दोस्तों, 0 से 90 डिग्री किस में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको सभी पता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी फंक्शंस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, ऑल फंक्शन दोस्तों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ध्यान दीजिए ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा, इसमें क्या हो गया कॉस का साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों, और इसमें क्या हो जाएगा सेक का, हमने किस में बताया था दोस्तों, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, और यहाँ कॉसेक का सेक में हो जाएगा, सेक में हो जाएगा सेक थीटा। अगर बात करें टैन का तो दोस्तों कॉट थीटा हो जाएगा, इसी तरह कॉट थीटा की बात करें तो टैन थीटा में कन्वर्जन हो जाएगा। अब ये सभी वैल्यू किस में है दोस्तों, कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे आपको पता हो चुके, आप देख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सो प्लीज़ इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा एंड या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यानी 90 माइनस थीटा यानी आप किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों, पॉजिटिव होते हैं, तो सभी फंक्शंस पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ आगे सिंप्लीफाई करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर निगेटिव एंगल कुछ और अगला आता है दोस्तों, इसी तरह अगला आता है, अगर 90 प्लस थीटा होता तब भी हमने बताया, 90 माइनस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो दोस्तों, या फिर 90 प्लस थीटा हो, इन दोनों के साथ में क्या होगा, को फंक्शन यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं दोस्तों, को फंक्शंस यूज किए जाते हैं। आप सबको बताया को फंक्शंस में कैसे, साइन का कॉस में, टैन का कॉट में, कॉसेक का सेक में, इसमें कन्वर्जन होता है, ध्यान दीजिएगा ओनली इन्हीं दो एंगल के साथ में। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे, एक और है साइन का कन्वर्जन है दोस्तों, निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज। सपोज दैट कहीं पर आपको ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों, साइन माइनस थीटा, एंगल आपको देखिए ये एंगल क्या है दोस्तों, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, ध्यान दीजिए थीटा एंगल है दोस्तों, थीटा क्या है, एंगल है थीटा।
अगर यही एंगल आपको निगेटिव फॉर्म फंक्शंस के फॉर्म में दिया है, साइन निगेटिव एंगल दिया है, तो ये क्या होगा, क्या क्या ये पॉजिटिव वैल्यू होती है या निगेटिव होती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, कुछ फंक्शंस हम लिख रहे हैं साइन, या फिर दूसरा लिख रहे हैं कॉस माइनस थीटा, तीसरा लिख रहे हैं सेक माइनस थीटा, चौथा लिख रहे हैं दोस्तों कॉस सेक माइनस थीटा। कहीं पे आपको एंगल दे दिया, ऐसे सपोज दैट दे दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, कहीं पे एंगल आपको इस तरह दिया है, किस कहीं पे एंगल दिया है आपको वन, मान लीजिए कहीं पे लिखा है सेक माइनस 20 डिग्री, तो आप क्या इसको पॉजिटिव का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ब्रेक एंगल तो माइनस में है, तो इसका फंक्शंस का कन्वर्जन क्या होगा, किस में लिखेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे या निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो इनका कन्वर्जन हम देखेंगे। अगला है, अगर कहीं पर लिखा है आपका टैन माइनस थीटा लिखा है दोस्तों, या फिर कॉट माइनस थीटा लिखा है, अब इन सभी फंक्शंस का कन्वर्जन कैसे होगा, किस कौन से फंक्शंस के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, कौन से फंक्शंस के साथ निगेटिव साइन आएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली आपको क्या याद रखना है, जो हमारा कॉस फंक्शंस होता है, कॉस फंक्शंस एंड जो हमारा सेक फंक्शंस है दोस्तों, यही फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। कॉस का क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं कॉस थीटा यूज कर सकते हैं, इसके प्लेस पे कॉस क्या लिखेंगे दोस्तों, सेक थीटा यूज करेंगे, बट अदर फंक्शन सभी क्या होते हैं, निगेटिव, निगेटिव साइन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव कॉसेक थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव टैन थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव कॉट थीटा हो जाएगा। यानी कौन से फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव हुई दोस्तों, यही दो फंक्शंस जो हैं, यानी सेक और कॉसेक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, एंगल के फॉर्म में अगर हमारा निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज दिया है, तो ये दोनों पॉजिटिव के फॉर्म में कंसिडर किए जाएंगे। कहीं पे ये ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, ओनली किसका होता है, कॉस का और सेक का एंगल आइडेंटिटीज पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी के निगेटिव होंगे। आप देख सकते हैं साइन नाइन माइनस थीटा लिखा था, तो इसका हो गया माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा था दोस्तों, कॉसेक थीटा माइनस में आ गया, टैन माइनस थीटा था तो माइनस टैन थीटा हो गया, कॉट थीटा माइनस में था तो माइनस कॉट थीटा आ गया। दोस्तों आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कुछ और भी देखिए, सपोज दैट यहीं पर कहीं पर लिखा है आपको कॉस माइनस 20 डिग्री दे रहा है, कॉस माइनस 20 डिग्री, तो आप इसको क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, कॉस 20 डिग्री यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करते हैं, चलिए एक दो और फंक्शंस देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया है साइन, एंगल कहीं पे आपने सॉल्व किया, आपको एंगल आ गया माइनस 45 डिग्री, ध्यान दीजिए माइनस 45 डिग्री आ गया, या आपने ऐसे लिखा था किसी कोई फंक्शंस ऐसे दिया हुआ था दोस्तों 90 माइनस 120 था, तो आपने इसको ब्रेक सॉल्व किया, तो क्या आ गया दोस्तों साइन कितना आएगा, अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। अब बताइए माइनस साइन 30 डिग्री की तो आप वैल्यू जानते हैं क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, बट यहाँ पे माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, अभी तक आपको पता नहीं था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फंक्शंस होते हैं निगेटिव एंगल आइडेंटिटीज के फंक्शंस कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, दोस्तों ध्यान दीजिएगा माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1/2 आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह जो भी होता है साइन का, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, ये सभी निगेटिव होते हैं दोस्तों, कौन कौन से निगेटिव होते हैं, आई होप ये समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद देखते हैं, ओनली पॉजिटिव कॉस का होता है, कॉस माइनस थीटा दोस्तों, या फिर सेक माइनस थीटा कहीं पे लिखा होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये दोनों फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। जैसे लिखा हुआ है दोस्तों कहीं पे, मान लीजिए कोई एंगल आपको दिया हुआ है कॉस, आपने सॉल्व किया 90 माइनस 120 को, चलिए इसी को देख लेते हैं, 90 माइनस 120 को आपने सॉल्व किया, अब आपको क्या मिला, कॉस माइनस 30 डिग्री मिलेगा दोस्तों। कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, बट आप बताइए माइनस की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो क्या ये माइनस बाहर आएगा, नहीं जी माइनस बाहर नहीं आएगा, को फंक्शंस का रिलेशन होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, ये हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में कंसीडर हो जाएगा। पॉजिटिव मैंने बताया था ना, कॉस थीटा के किस में कन्वर्जन हो जाता है दोस्तों, कॉस माइनस थीटा का किस में हो जाता है, ओनली कॉस थीटा हो जाता है। इसी तरह सेक माइनस थीटा का कन्वर्जन किस में हो जाता है, सेक थीटा में हो जाता है। ध्यान दीजिएगा ओनली यही दो फंक्शंस हैं जो पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं, बाकी सभी फंक्शंस क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, √3/2 सेम वैल्यू आएगी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आप सभी को।
तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं स्टार्टिंग इंट्रो में नहीं बताए जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा कीजिए। चलिए अगले, तो आपको सभी को क्लियर हो गया, आल निगेटिव होंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या निगेटिव होगा। साइन भी दोस्तों अगर बात करें तो साइन क्या क्या होगा, साइन भी निगेटिव होगा, यानी साइन निगेटिव होगा, साइन माइनस थीटा है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कॉट है कहीं पे, कॉट माइनस थीटा है, तो हमने बताया क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कहीं पे टैन लिखा है दोस्तों, टैन माइनस थीटा आपको कहीं पे आ रहा है सॉल्व करने पे कुछ आइडेंटिटी कुछ वैल्यू, तो आप क्या हो जाएगा, ये माइनस टैन थीटा हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहीं पे सेक आ रहा है, ध्यान दीजिए सेक माइनस थीटा कहीं पे आ रहा है, और कॉस माइनस थीटा आ रहा है, इन दोनों के लिए मैंने बताया क्या हो जाते हैं दोस्तों, दोनों दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, यानी सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कॉस का कॉस थीटा हो जाएगा। बट अगर कहीं पर कॉसेक है, कॉसेक माइनस थीटा है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस में, ध्यान दीजिएगा कॉसेक थीटा किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में कन्वर्जन हो जाएगा। आई होप बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा इसको, प्लीज़ नोट कर लीजिएगा एंड नोट कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो भी यही बेसिक है, बेसिक फंक्शंस है दोस्तों, फंक्शंस का बेसिक में कन्वर्जन कैसे होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये बेसिक फंक्शंस का कन्वर्जन क्लियर हो गया तो आप आगे के सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, सिंपल वे सिंपल तरीके होंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और अभी आगे, सप्लीमेंट ट्रायंगल, ये आपने देखा था, हमने क्या देखा दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल का कन्वर्जन, और 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा का देखा हमने। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ सप्लीमेंट्री एंगल के कन्वर्जन देखेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल आइडेंटिटीज दोस्तों देखते हैं, को फंक्शंस आइडेंटिटीज हमने देख लिया दोस्तों, अब बात करेंगे सप्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा सप्लीमेंट दोस्तों, सप्लीमेंट एंगल की आइडेंटिटीज़ का कन्वर्जन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा सप्लीमेंट एंगल में आइडेंटिटीज़ कैसे कन्वर्ट होते हैं, फंक्शंस कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ओनली साइन कन्वर्जन होगा दोस्तों, ओनली साइन कन्वर्जन होगा। क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए साइन कन्वर्जन होगा, फंक्शंस का कन्वर्जन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा फंक्शंस का कन्वर्जन, फंक्शंस नॉट कन्वर्ट, क्लियर, ध्यान दीजिएगा फंक्शंस कन्वर्ट नहीं होंगे, ओनली साइन कन्वर्ट होगा। सपोज दैट सप्लीमेंट्री क्या होगा, हम कोई भी एंगल आप ब्रेक करते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, या फिर 180 डिग्री प्लस थीटा करते हैं, तो ध्यान दीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, तो इस केस में साइन का कैसे कन्वर्जन होगा, फंक्शंस का कैसे कन्वर्जन होगा, क्या फंक्शंस कन्वर्ट होगा या फिर ओनली साइन का कन्वर्जन होगा। तो हमने क्या बताया दोस्तों, ओनली साइन कन्वर्जन होगा, ध्यान दीजिएगा ओनली साइन कन्वर्जन होगा, फंक्शंस का कन्वर्जन नहीं होगा, ध्यान दीजिए फंक्शंस का कन्वर्जन नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए सप्लीमेंट्री एंगल के कुछ फंक्शंस का कन्वर्जन देखते हैं, ओनली साइन कन्वर्जन होगा हमने बताया, फंक्शंस का कन्वर्जन नहीं होगा, फंक्शंस जो होंगे सेम टू सेम वैसे कॉपी किए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं, सपोज डेट कहीं पे लिखा है दोस्तों साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान दीजिए अभी हम एंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बताएंगे कुछ एंगल का कन्वर्जन भी बताया जाएगा आपको, सभी एंगल के कन्वर्जन भी बताए जाएंगे। साइन 180 माइनस थीटा अगर लिखा है, या फिर साइन 180 दोस्तों प्लस थीटा लिखा है, तो इस केस में एंगल का कैसे कन्वर्जन होगा, आप जानते हैं कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से तो हमारा 90 डिग्री का फंक्शंस होता है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से टोटल क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाता है। अगर 180 माइनस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा करेंगे तो आप किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे। अगर 180 ध्यान दीजिए 180 प्लस थीटा करेंगे तो आप किस कोऑर्डिनेट में जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों कौन से फंक्शंस सेकंड कोऑर्डिनेट में, कौन से फंक्शंस थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होते हैं, तो आपको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट के सेकंड में फंक्शन कोऑर्डिनेट में बात करें तो कौन कौन से होते थे दोस्तों, हमारे साइन फंक्शंस होता था और कॉसेक फंक्शंस जो था, कॉसेक थीटा या साइन थीटा वाले फंक्शंस जो भी होंगे ये पॉजिटिव कंसीडर किए जाते हैं। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें हमारा कॉट थीटा था एंड क्या था दोस्तों, टैन थीटा था, कॉट थीटा एंड टैन थीटा क्या थे दोस्तों, पॉजिटिव लिए जाते थे। इसमें हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव लिए जाते थे,
सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में कॉट और टेन। आई होप ये क्लियर हो गया था। तो चलिए कुछ आगे देखते हैं कैसे हम कन्वर्जन करते हैं एक एक फंक्शंस का कन्वर्जन। तो देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज लिखेंगे, प्लीज़ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी आइडेंटिटीज़ को केयरफुली नोट डाउन कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। चलिए सपोज दैट कहीं पर लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, एंड क्या लिखा है कहीं पर कॉस 180 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा ये तो फंक्शन हम लिख रहे हैं दोस्तों, कहीं पे लिखा है टेन 180 माइनस थीटा लिखा है, या फिर कहीं पे कॉट 180 माइनस थीटा लिखा है दोस्तों, या फिर कहीं पे सेक 180 माइनस थीटा लिखा है, या फिर कुछ और भी एक बचा है। कौन सा बचा है दोस्तों? कॉस सेक। ध्यान दीजिए कॉस सेक 180 माइनस थीटा कहीं पे लिखा है। तो इन सभी आइडेंटिटीज़ का कन्वर्जन कैसे होगा आप देख सकते हैं। इन सब का कन्वर्जन कैसे होगा दोस्तों? सभी फंक्शंस मैंने बताया था ओनली साइन कन्वर्जन होंगे। क्या होंगे? ओनली साइन का कन्वर्जन होगा दोस्तों, साइन कन्वर्ट होंगे, ओनली साइन कन्वर्ट होंगे, फंक्शंस कन्वर्ट नहीं होंगे। फंक्शंस क्या होंगे दोस्तों? फंक्शंस नॉट कन्वर्ट। ध्यान दीजिए फंक्शंस कन्वर्ट नहीं होंगे, नॉट कन्वर्ट होंगे। तो बस आपको क्या करना है? ओनली वैल्यू कन्वर्ट, सॉरी क्या, साइन का कन्वर्जन करना है। तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा? साइन 180 माइनस थीटा। आप बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं दोस्तों? अगर 180 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच रहे हैं? 180 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में ही तो दोस्तों जा रहे हैं। अगर हम 180, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या था? 0 डिग्री था, यहाँ तक 180 डिग्री था। अगर 180 माइनस थीटा जा रहे हैं तो माइनस थीटा कर रहे हैं तो आप सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं। अगर प्लस थीटा करेंगे तो आप कौन से थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंचेंगे? तो बताइए आप कौन सा कैसा कन्वर्जन होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएंगे या सेकंड कोऑर्डिनेट में? तो दोस्तों सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे 180 माइनस थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आपको पता है इसमें कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? इसमें होते हैं साइन एंड कॉसेक दोस्तों, क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो साइन का कन्वर्जन क्या होगा? साइन थीटा पॉजिटिव में। कॉस का क्या होगा दोस्तों? कॉस ही रहेगा बट निगेटिव में। क्या हो जाएगा दोस्तों? निगेटिव में कॉस थीटा हो जाएगा। साइन क्या होगा दोस्तों? साइन पॉजिटिव होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें क्या होगा? माइनस टेन थीटा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी किस में जा रहे हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सेकंड में क्या होते हैं? ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। कॉट का भी माइनस कॉट थीटा हो जाएगा दोस्तों। सेक का क्या हो जाएगा? माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक के क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक का हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा प्लस कॉसेक थीटा। अगर किसी भी एंगल का माइनस या पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, 180 के साथ में है, यानी सप्लीमेंट्री फॉर्म में है, 180 माइनस थीटा लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 180 माइनस थीटा कहीं पे लिखा है, 180 माइनस थीटा, या फिर ध्यान दीजिए 180 माइनस थीटा लिखा है, तो कौन से होंगे? ओनली साइन का कन्वर्जन होगा। तो साइन एंड क्या होंगे दोस्तों? कॉसेक जो होंगे ये पॉजिटिव होंगे। बाकी नंबर, बाकी सभी फंक्शंस क्या होंगे? अदर फंक्शंस क्या होंगे दोस्तों? अदर फंक्शंस विल बी निगेटिव। ध्यान दीजिए निगेटिव, अदर फंक्शंस क्या होंगे दोस्तों? निगेटिव होंगे, चाहे जो भी हो, साइन कॉसेक को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव होंगे। अगर यहीं पे 180 प्लस हो जाता दोस्तों, 180 प्लस थीटा हो जाता, तो कौन से फंक्शंस होते दोस्तों? कॉट एंड क्या होता? टैन। ध्यान दीजिए कॉट एंड टैन थीटा क्या होते? पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। अदर्स क्या होंगे दोस्तों? अदर फंक्शंस क्या होंगे? बात करें अदर फंक्शंस की बात करें तो निगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। अदर फंक्शंस क्या होंगे? अदर फंक्शंस का मतलब साइन कॉसेक, साइन कॉसेक सेक कॉट सेक कॉस, ये सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ओनली ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों, पहला पॉइंट था ये, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर करके रखना है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 180 माइनस थीटा में ओनली क्या होंगे दोस्तों? ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। 180 प्लस थीटा में क्या होगा? कॉट और टैन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी फंक्शंस निगेटिव होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, आई होप सभी को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो ये दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में ओनली क्या था? ओनली हमने कंसिडर किया है साइन का कन्वर्जन। क्या अगली वीडियो में दोस्तों देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ जो आपकी 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशंस होगा, क्वेश्चन सॉल्व हम करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेसिक फंक्शंस थे। अगर वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ है तो प्लीज़ आप सेटिंग में जाकर वीडियो की स्पीड स्लो कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या था दोस्तों? ओनली क्या था दोस्तों? ओनली आज हमने देखा था साइन का कन्वर्जन, साइन, ध्यान दीजिए साइन एंड फंक्शंस का कन्वर्जन देखा था दोस्तों, साइन एंड फंक्शंस कन्वर्जन किया था।
ध्यान दीजिए साइन एंड फंक्शंस का कन्वर्जन था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिए, बस आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो जो मैथ की जो अगली वीडियो होगी सोल्यूशंस दोस्तों, क्लास कौन से दोस्तों, क्लास 11th की जो अलग 11th और 12th की जो अगली वीडियो होगी उसके अपडेट आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों अपने सभी पढ़ने वाले फ्रेंड के पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।